हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो से। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से है। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अक्सर सिर्फ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से भी ऊपर दर्जे का ये कॉलेज है और इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मुनासिब है। बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसकी फ़ी बाकी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से बिल्कुल ही कम है, मुनासिब इसकी फ़ी है। जैसा कि अक्सर सिर्फ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की इस साल की जो फ़ी है वो है 18 लाख, जबकि इस कॉलेज की जो फ़ी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हम 2020 का इसका फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे, 2021 का और 2022 का फ़ी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो ये शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज स्टडी के हवाले से बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसकी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, थोड़ी एक यूनिक सी इसकी बिल्डिंग है। कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा नहीं है अपने ग्राउंड के हवाले से जितना ये शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। क्रिकेट का अलग ग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल का अलग है, वॉलीबॉल का अलग ग्राउंड है। इसमें बहुत बड़ा ये कॉलेज है, मैं खुद इस कॉलेज में गया हूँ। कैफ़े भी इनका अच्छा है और इसके अलावा इनके हॉस्टल्स भी हैं। तो ये कॉलेज स्टडी के हवाले से बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसमें काफ़ी अच्छी स्टडी करवाई जाती है, UHS की पोजीशंस भी आती हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और ये ओवरऑल अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इसमें इन्जॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टडी हवाले से ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो अब हम इसमें एडमिशन्स की बात कर लेते हैं। MBBS और BDS की एडमिशन्स इसमें ओपन है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये 2K22 के एडमिशन है, ये 2K21 एंड 2K20। तो सबसे पहले हम 2020 का इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इस कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिट्स अ टोटल ऑफ 100 MBBS स्टूडेंट्स। इसमें 100 MBBS की सीट्स है एंड 50 BDS स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें 50 BDS के स्टूडेंट्स होते हैं और 100 इसमें MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, अगर क्लास में स्टूडेंट्स कम हो तो स्टडी एक अच्छे वे में हो जाती है, क्योंकि टीचर की जो कंसंट्रेशन है वो अच्छे से एक ग्रिप के साथ हो जाती है तमाम स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ नहीं करते। और इसके अलावा अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो MDCAT है वो PMC के अकॉर्डिंग पास होना चाहिए। जैसा कि इस दफ़ा क्या है, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए MBBS के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और BDS के लिए 45% MDCAT में से मार्क्स होने चाहिए और 60% आपके FSC में से मार्क्स होने चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या है, मैट्रिक को ये 10% इंक्लूड कर रहे हैं और FSC को 50% और जबकि MDCAT को 40%। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्लूड कर रहे हैं वो है FSC। तो जिन स्टूडेंट्स के FSC में से अच्छे मार्क्स हैं वो तो भाई इसमें एक्सेल कर जाएंगे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो MDCAT में से अच्छे मार्क्स लें। और इसके अलावा इंटरव्यू भी ये कंडक्ट करेंगे, लेकिन उसकी कोई वेटेज नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर 2020 का, तो 2020 में इस कॉलेज की फ़ी थी टोटल, आपको मैं बता देता हूँ, टोटल फ़ी थी 12 लाख, ठीक है, 12 लाख 2020 में इनकी फ़ी थी टोटल 12 लाख। तो अभी हम देख लेते हैं 2021 जो प्रीवियस ईयर के एडमिशन से, ये लिस्टें आप लोग इसकी लिस्टें चेक भी कर सकते हैं। ये MBBS की लिस्ट है, ये BDS की लिस्ट है, आप यहाँ इसके एडमिटेड स्टूडेंट्स वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसमें 100 सीट्स हैं और पिछले साल जो इनकी फ़ी थी वो है 13,90,000, मतलब 14 लाख हो गई थी, ठीक है। फाइलर के लिए 14 लाख थी और नॉन फाइलर के लिए 14,53,000 थी। तो पहले 12 लाख, अब 14 लाख हो गई थी पिछले साल, तो 2 लाख का इसमें फ़र्क आया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 2022 का इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, जो अब स्टूडेंट्स से ये चार्ज करेंगे, जो स्टूडेंट्स अभी इसमें एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर के लिए MDCAT के बाद, तो उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो 100 सीट्स हैं स्टिल, 50 सीट्स BDS के लिए हैं और 100 सीट्स इसमें MBBS के लिए हैं। और वही आपने FSC को पास करना है, आपने MDCAT को PMC के अकॉर्डिंग पास करना है। एंड प्रोसीजर क्या है कि 10% ये वही मैट्रिक एंड 50% FSC एंड 40% MDCAT एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बट हैविंग लो मार्क्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई आपका इसके मार्क्स वगैरह ऐड नहीं किए जाएंगे, बट इट्स मैंडेटरी टू अपेयर इन द
इंटरव्यू, ये नहीं कि आप इंटरव्यू नहीं दें, आप इंटरव्यू देंगे, उसके अलावा आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू देना ज़रूरी है। अब कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन के लिए क्या है कि मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द कॉलेज नोटिस बोर्ड ऑन द इंटरनेट विद द डायरेक्शंस टू सबमिट द कॉलेज ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो अब जो स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवा देंगे तो उनके जो एडमिशन्स वो इसमें हो जाएंगे, ठीक है। पहले ये कॉलेज वाले नोटिस बोर्ड पे उनके नाम वगैरह अपलोड करेंगे, इंटरनेट पे भी उनके नाम अपलोड करेंगे और सीरियल नंबर्स अपलोड करेंगे, फिर वो स्टूडेंट्स जाके जब अपनी फीस सबमिट करवाएंगे तो दे आर ओके विद एडमिशन, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन इज़ बेस्ड अपॉन द पेमेंट ऑफ द ड्यूज। जब आप पेमेंट ऑफ ड्यूज करेंगे, जब आप अपनी पेमेंट वगैरह इनको देंगे तो तब आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, अदरवाइज इनका एडमिशन जो पक्का नहीं होगा। तो अब इस साल का हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसको डिटेल से देखते हैं। ट्यूशन फी जो है इस साल की आपकी 13,26,000 है और एडमिशन फ़ी जो है 2% है टोटल का, वो 26,000 बन रही है। तो टोटल कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, टोटल कॉलेज वाले जो आपसे चार्ज करेंगे वो 13,52,000 है, ठीक है, वो 13,50,000 है। और इसके अलावा कुछ चार्जेस हैं, एकेडमिक यूएचएस के चार्जेस जो कि 5.5% है, 74,000 ये बन रहे हैं। और यूएचएस की रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 16,000 और यूएचएस की एग्जामिनेशन फ़ी है वो है 5,700 या 6,000 जिसको हम कह दें। और पीएमसी की कुछ फ़ी है वो है 5,000 और डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन की फ़ी है 3,000। तो टोटल यूएचएस के एजुकेशन बोर्ड के जो चार्जेस हैं वो है तकरीबन 1,00,000 तक बन रहे हैं। तो टोटल जो आपकी फ़ी है जो आपसे फर्स्ट ईयर में अब ली जाएगी वो ये 13,52,000 नहीं है, बल्कि ये नीचे वाले चार्जेस मिला के और ऊपर वाले ये मिला के 14,57,000, मतलब 14,50,000 आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर जो ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, पिछले साल भी यही इनकी फ़ी थी और इस साल भी इनकी फ़ी यही है, बस जस्ट 57,000 का फ़र्क आया है, क्योंकि पिछले साल नॉन फाइलर की फ़ी थी 14,50,000 और इस दफ़ा फाइलर की जो फ़ी है वो 14,50,000 है। तो 50,000 या 60,000 का फ़र्क है जस्ट। तो यार इन्होंने अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर इंक्रीज़ नहीं की, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी हवाले से बहुत अच्छा है मैं आपको कह रहा हूँ, और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, ठीक है। और FBR का टैक्स वो 5% होता है आपकी टोटल फ़ी का, तो तकरीबन आपका 67,000 बन रहा है, ठीक है। तो ये आप मिला के अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने देनी है 15,24,000, अगर आप फाइलर हैं तो आपने ये फ़ी देनी है 14,60,000 जो बन रही तकरीबन, और ये जो ये फ़ी है 15,24,000 ये अगर आप नॉन फाइलर हैं। अब फाइलर और नॉन फाइलर क्या हैं, जो आपके अब्बू हैं उसका होता है FBR के थ्रू एक्टिव टैक्स पेयर भी होते हैं, वो FBR के ऑफिस के थ्रू एक्टिव टैक्स पेयर होते हैं, वो मतलब हुकूमत को टैक्स देते हैं हर साल, जो कि तकरीबन बहुत कम बनता है, बहुत ही कम बनता है, 2,000-3,000 बनता है, ठीक है। तो आप वो ख़ुद को एक्टिव टैक्स पेयर करवा लें, मतलब अपने पेरेंट को, तो वो साल में 1-2,000 देंगे तो बस उनका वो जो है एक्टिव टैक्स पेयर में वो आ जाएंगे, FBR उनको स्लिप देगा, आपने वो सबमिट करवाने तो आप ये जो 67,000 है इससे बच सकते हैं। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फिर आपको ये पैसे देने पड़ेंगे हुकूमत को, आपने 1 या 2,000 देने और आप फाइलर हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप फाइलर हो जाए, हर साल ये फ़ी आप नहीं देंगे। देखिए फर्स्ट ईयर में आपसे ये फ़ी ली जाएगी इतनी, सेकंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये जो आपके FBR टैक्स है, अगर आप एक दफ़ा हो जाते हैं तो फिर आपको ये सारी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकंड ईयर में आपसे फ़ी ली जाएगी 14,75,000, जबकि थर्ड ईयर में आपसे फ़ी ली जाएगी 15,50,000, फोर्थ ईयर में 16,25,000, जबकि फाइनल ईयर में आपसे 17,00,000 फ़ी ली जाएगी। लेकिन इस साल जो अख्तर सईद की फ़र्स्ट ईयर की फ़ी है वो है 18,00,000। तो आप खुद देख रहे हैं कि इस कॉलेज की फ़ी बहुत कम है। नीचे अब्रॉड के स्टूडेंट्स के लिए है, जो अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। नीचे ये BDS की इसमें फ़ी है, तो BDS का फ़ी स्ट्रक्चर भी सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है, सेम है, ठीक है, सेम फ़ी है इसकी BDS की भी इसमें। और हॉस्टल चार्जेस जो हैं वो आपसे लिए जाएंगे 18,500 पर मंथ, और हॉस्टल की सिक्योरिटी जो है वो रिफंडेबल है, जो आपको बाद में मिल जाएगी वो है 25,000,
समझ आ गई दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।